ये हमारा हेलो नमस्ते, दिस इज के और आप सभी का स्वागत है मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल सिंघूम बाजार में। अब क्या ही बताएं, एक मेरा घनिष्ठ मित्र, अबे माँ तो कुछ बोलेगा तुम हाँ टाइगर का मैं घनिष्ठ मित्र हूँ। अभी सूट पे निकले हैं जो कि ऐसा नहीं है, ऐसा 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 कुछ नहीं है। ये बंदा जो है थोड़ा सा क्या ही बोलेंगे, आज मूड में है तो तैयार हो तुम? एकदम तैयार है हमेशा। कहाँ जाने के लिए? लोग जा रहे हैं चीरू की और बोला ना भंडा खाने मन कर रहा है। जा जानते हैं मंगलवार है। कुछ नहीं, थोड़ा सा मार्केट का एक्सप्लोर करना है ना। तो अभी तो राइड पे ही मतलब निकलने ही वाले हैं, मतलब निकल चुके हैं बोला जाए तो क्या। हाँ निकल चुके हैं। तो कुछ अभी देखिए, अभी यहाँ से निकलेंगे तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को एक रास्ता भी दिखाते हुए जाए, ताकि आप उस डेस्टिनेशन तक मतलब सही समय में तो नहीं बोलेंगे लेकिन सही जगह जरूर पहुंच जाए। क्या एकदम सही जगह। चलिए फिर मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले क्या है ना कि पहले हम लोग ये चूंकि मेरा ये जो रेसिडेंशियल लोकेशन है चाइना सामने बाईपास एरिया है, तो वहाँ से हम निकले हैं ठीक ओवरब्रिज के नीचे से आपको राइट टर्न करना होगा, उसके बाद सीधा जिला स्कूल होते हुए डीजे वहाँ एक मतलब विलेज है, उधर से एक रास्ता जाती है जो आपका साइकिल बाईपास रोड पर पड़ती है ना। तो अभी हम लोग करेंट लोकेशन अभी जो निकले हैं ये कहाँ करो डीजे मर्चा। हाँ डीजे मर्चा है, इधर ही से जा रहे हैं हम लोग। तो अभी डीजे मर्चा के गाँव के बीच में गाँव है। देखिए ऐसा है कि मतलब हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि मतलब आपको ऐसा मतलब जगह ले जाएं जहाँ मतलब क्या बोलेंगे ये आग एक लगती है वहाँ पे, ज्यादा कुछ नहीं लेकिन वहाँ देसी साग सब्जी और लोकल जो मतलब ये समझो कि वहाँ व्यापारी लोग पैसे नहीं है। हाँ गाँव ग्राम में जो बिजनेस करता है तो भी करता साग सब्जी सारा चीज वही तरह और भी कुछ है इंडस्ट्री की तरह हम करके बिठाएगा आप लोग को मजा आएगा। मौसम तो बहुत खतरनाक और सुहाना है यार ही बोले बहुत खतरनाक। हाय खतरनाक राइडर है सुने जगन्नाथपुर का क्या बात हो जाए तो अगर तुम तो जगन्नाथपुर में तबाही मचाते हो ना गरीब रे। अच्छा ये हाँ हम मैं ये बताना भूल गया रुको, अबे यार हड्डी का कैमरा घूमेगा नहीं। अब हम लोग पहुंच गए क्या आता है गाँव डीले मर्चे के बाद ब्रो अमिता। हाँ ये ठीक डीले मर्चा के मतलब बोलने से अब समथिंग अप्रोक्स आधा किलोमीटर। हाँ आधा किलोमीटर बोला जाए आधा किलोमीटर दूर है वहां से। अभी हम लोग क्या बोलते कहा हम लोग आचू मातो भाई थोड़ा सा बैटरी चार्ज करना था और मातो भाई आपने बताएंगे भाई बैटरी चार्ज हो गया तुम्हारा चार्ज हो गया मातो बोल रहा था। मुझे निकल नहीं बोल रहा हम तो चार्ज होने में मांगता बोला तो आचू में आचू अभी आचू में आचू में अब यहाँ से अभी कुछ दूर आधा किलोमीटर जल्दी पहुंच जाएंगे अभी हम लोग। ये रोड नहीं पड़ता पेट्रोल पंप मतलब अचूक गाँव से तकरीबन हाँ 100-200 मीटर आगे ज्यादा दूर नहीं है। अब हम लोग पहुंच गए हैं पहुंच चुके हैं। ये एक पहला स्टॉल है तो एक भैया है मेरे गांव के ही है तो अब क्या ही बोलेंगे बारे में भैया लगते हैं ये और इनका अरे फुटेज ठीक से लोग है दिख रहा है तुमको जो ये तो दिखा अरे सब दिखा रहे तुम क्या रहे तुम देखो तो सही भाई कैमरा एंगल चलो तो भैया तो अभी ना तुम दादा को हम अभी से नहीं बहुत पहले से जानते हैं मेरे खुद के गांव के हैं तो
कहाँ वगैरह, ये अपना पर्सनल जो अपना पर्सनल इकोनॉमिक कंडीशन तो सुधारने के लिए भाई, इकोनॉमिक कंडीशन सुधारने के लिए अपना पेट भरने के लिए सब काम करते ही है, तो वही इशू है, तो सब अपने काम कर रहे हैं लोकल मार्केट में, या बाहर से कोई नहीं आया तो बाजार दिख रहा है आपको, यहाँ सब अपने ही लोग हैं और अपने ही काम धंधा कर रहे हैं, अपने ही काम करके जो अपना पेट पाल रहे हैं। ये मेरे अलिंग तो भैया खाना बनाते हैं ना, देखिए बहुत मतलब देखिए यहाँ के हिसाब से भैया है ना, हम आपको सैटरडे मार्केट एक लगता है, सैटरडे मार्केट एक लगता है परसली में, वहाँ एक दिन ले जाएंगे और उस समय बताएंगे, वहाँ भी ये बेचते हैं और मतलब डिमांडेड चीज है, खाना ज्यादा मिर्चा नहीं, ज्यादा मसाला नहीं, एकदम क्या बोलेंगे अंकुरित चना भाई, वहाँ तो तुम उठे तो दिखाओ अंकुरित है कि नहीं, गलत कर रहे हो यार, सही है। अब हम लोग उस स्टॉल से अब आगे बढ़ रहे हैं ना, तो देखते हैं और देखिए क्या देखने कुछ चीज नहीं, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, अब देख सकते हैं यहाँ पर जैसे हम लोग मार्केट में जैसे बाजार वगैरह चीज लगता है, मतलब आलू क्या सारा चीज वो सब कुछ भैया कर दीजिए, आपको यकीन नहीं होगा बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और मेरा मतलब क्या बोलेंगे मेरा आप लोगों के लिए सस्पेंस चीज था, स्पेशली चाहे के लोगों के लिए, तो हम आपको दिखाते हैं क्या चीज यहाँ पर सस्पेंस था और क्या नहीं था, है ना, लो शुगर मीट, तो इसको बोलते हैं हम लोग लोकल लैंग्वेज में क्या, बोलो भाई लोग बंडा बंडा बंडा, अच्छा नहीं लगता है ना, तो भैया 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 बताएंगे कहाँ से लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, अपना एड्रेस तो बताओ कहाँ का माल है, मटकोबेड़ा का माल है ना, तगड़ा बहुत बाबा, फुटन लो फुटन लो फुटन लो, अरे कटिंग मास्टर, कटिंग मास्टर को दिखाओ, दादा बताएंगे इसका अभी क्या रेट चल रहा है, दादा दादा अब बताइए भैया क्या रेट चल रहा है, 240 चल रहा है, एक्चुअल में अभी 25 में जहाँ भी बंडा का जो मार्केट है तो एक्सपेक्टेड रेट यही चल रहा है ना, तो हम आपको अगला फुटेज में बताते हैं कंपेयर करके, ठीक इधर लेते हैं इधर आप है ना, यहाँ सरप्राइज था ये तो मैंने आपको दिखा दिया, अब इसके आगे इसको क्या करना है कैसे करना है वो भी हम आपको दिखाते हैं, चलो हाँ अब हम लोग पहुंच चुके हैं, मतलब पहुंचने का तो तभी पहुंच गए, मतलब जहां जो बंडा था कटने के बाद यहां पर आपको ये भी बता देते हैं यहां पर इसको बनाने का सुविधा भी है, मतलब आपको आप मतलब यहां से कटवा के और कटवा के बनवा बना के भी और खा के भी जा सकते हैं, है ना, तो कैसे सुविधा है क्या नहीं है और इसका क्या रेट चल रहा है यहाँ पे, और एक किलो आधा किलो का क्या चल रहा है रेट, ये हम आपको बताते हैं, आइए इधर फोटो लो, अरे भाई साहब है में नहीं, लकड़ी के चूल्हे में बन रहा है ये, पहले आपको बता देता हूँ, है ना, दीदी को पूछते हैं कि उनका क्या चल रहा है और कैसे बनाते हैं, सबसे यहाँ पर एक ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे मतलब जो मीट वगैरह बनाते हैं, सारा सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है, तो कभी भी अगर आप आते हैं तो अगर आप खाने के इच्छुक हैं, स्पेशली आप क्या बोलेंगे पोर्क मीट खाने के इच्छुक हैं, तो यहाँ आके कटवा के मतलब क्या बोलेंगे मसाला ज्यादा हो गया सर, है ना, तो कटवा के और बना के यहीं पर आप खा सकते हैं ना, तो हम यहाँ आते हैं और दीदी से पूछते हैं, भाई तो आप हमको ये बताइए कि इनका ये जगह चिरू है ना, चिरू एंड छिलके किलो इनका भाई जीते आप लिया, दीदी बताएगी यहाँ एक किलो रे 100 रुपये, अपना तुम दो नहीं बता दीजिए, दिक्कत नहीं है, सही बताइए चलेगा, अब तो जीरो थी, हाँ 1 किलो का 100 रुपया है, तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए, मतलब आधा किलो का यहाँ पर 50 रुपया है, 50 रुपया है भाई साहब, थोड़ा कढ़ाई के ऊपर भी तुम फोड़ लो, अरे बहुत मसालेदार, मामा का फोड़ लो, देखिए यही करचूल से बनता है, कोई नहीं, और जैसे कि आप आगे इधर भैया हैं, भैया आप चिरू से आप बिना ये चिरू तो गए थे आप इन जरूर उतर बिना हटो, हम शायद आप भी हमको पसंद होंगे बहुत बढ़िया, यहाँ भी वही बन रहा है बहुत ही लजीज, अब हम अपना जब कुछ कुछ दोस्त आ रहे हैं उनके लिए मैं बनवाऊंगा, तब आपको फुटेज दिखाऊंगा, कहीं पर भी बनाऊंगा, और क्या इंग्रेडिएंट उसमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है और कैसा उसका टेस्ट है,
मैं नहीं खाता हूँ लेकिन दोस्तों को जरूर खिलाऊंगा, है ना। ये सारा है। और कुछ कुछ लोग अपना इकोनॉमी के हिसाब से कुछ कुछ लोग गैस में बनाते हैं और कुछ कुछ लकड़ी में, और सबका अपना अपना है, है ना। लाइक डिश है, क्या बोलते हैं उसको, चिकन का कोई, चिकन का रहता है, उसको पत्ता में लपेट के बनाया जाता है। कैमरा मैन आपको फुटेज दिखाएगा, कैमरा मैन फुटेज दिखा दो, ये देख भैया बताएंगे, भैया बताएंगे, भैया बताइए कैसा कैसा, मतलब क्या रेट है आपका इसका 20 रुपए का रेट। भैया ने बताया इसका रेट है आपका समथिंग 20 रुपया है, पत्ता में बनने वाला डिश है। लगभग लगभग झारखंड के लोगों को, खासकर सिंधु लोगों का स्पेशल डिश है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अभी तो निंदा ना चाय मसा तो नगर सदन को आराम दिया। भैया बताइए 20 रुपया ना, एकदम 20 रुपया भाई। और ये इसका रेट क्या है? 20 रुपया। भाई भैया ने बोला टकाटक बना है, मतलब खतरनाक चीज होगा, मजा आ जाएगा खा के। अब फिलहाल तो नहीं खा सकते हैं, कुछ कुछ फुटेज बचा हुआ है, आगे एक्सप्लोर करना है हमको, तो अभी पहुंच गए हैं। ये हम लोग अब बोलेंगे तो इसको, ये हम लोग शुरू से ही आदिवासी कल्चर में जो हांडिया और राशि मिलता है, अब ना दो ना अभी चाहे सेवन को, सेवन को आधा आना डी एंग राशि, तो लगभग लगभग उनका सेवन तक आखिर है ना। इसको गलत मूड में आप कोई भी मत लीजिएगा कि ये एक बिजनेस का एक स्रोत, ऐसा नहीं है भाई। गाँव के लोग हैं तो भाई उसको अपना कल्चर के थ्रू से यहाँ बेचते हैं, और ये कोई बाजार वाला कोई पर्व नहीं है कि ऐसा कि मतलब बाजार में ऐसे चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर राशि और हंडिया जो चावल से बनता है, ये पश्चिमी सिंहभूम के लोगों को अच्छी तरह से पता है। तो एक दोस्त है मेरा बंदा पिटबुल, ये बताएगा कि राशि पी के इसको यहाँ कैसा लगा और यहाँ का टेस्ट कैसा है, बता पिटबुल। उससे पहले हम भाई से पूछेंगे, भाई तो अबन कजी बन चिलके राशि तो चिलके में इतना एक गिलास गेलटका गेलटका हम बता दे आप सभी को, गेलटका 10 रुपया है ना। तो दीदी तो शायद नहीं पीती होगी तो बता नहीं पाई, लेकिन हम राजू से पूछेंगे पिटबुल से कि उसको इसका टेस्ट कैसा लगा। राजू जी बताइए, पहले पी लीजिए आप। ऐसा मजाक कर रहा है ना, रस में ऐसा राग हो गया, नेता नहीं बने रस नमो अच्छे उन्होंने चाय पत्र कहा नमो अब चेरु आटो इन मैं निपा बूजू मैं सब इन सफर जिलो नमो इन निपा बू यहाँ जिलो सब इन जिलो मनते हैं सिम जिलो नमो तो रास घाट करो डी रस को ऐसा राग हो गया नमो इन के रास गया मनते खाली अब मंगलवार हाट रहे वेतर में ना चे निता नूर के बनी बंदा। तो मैं आप लोगों को दोबारा रिवील करके ये बताना चाहूंगा कि मतलब मंगलवार के दिन, तो डायरेक्शन तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि ये कहाँ लगता है और कहाँ नहीं लगता है। तो एक बार विजिट कीजिएगा यहाँ पर, साग सब्जी सारा चीज है, जो मतलब अब कोई व्यापारी की यहाँ से लाया वाला ऐसा चीज नहीं है, यहाँ अगल बगल के लोग जो यहाँ पर उगाते हैं वही सब चीज यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा, है ना। तो भैया लोगों से भी पूछो कैसा लग रहा है राशि भी के, अब भैया से मिलते हैं। तो भैया आप तो ऐसे बड़े आप कुमरे मत पाए इनको, यही के है चिल्के राशि तो नूतन है ऐसा चेहरा। अरे देखिए ये आप बोला जी तो नेचुरल एल्कोहल है हम लोग का जो चावल से बनता है, तो देखते हैं आगे और क्या कुछ मिलता है इस मार्केट में, सबको एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे हम। कट साप्ताहिक मार्केट के अंदर में जो मंगलवार के दिन है, तो इसको हम लोग जुआ नहीं बोल सकते हैं, पहला चीज है ना, इसको जुआ नहीं बोल सकते हैं। और क्योंकि ये रूरल एरिया में भी आ सकता है, तो इस हिसाब से सप्ताह में जितने भी किसान लोग हैं या रूरल एरिया में जो भी बसते हैं गाँव के लोग, सारा अपना काम धाम खत्म करने के बाद सप्ताह में एक दिन मार्केट आते हैं, उसके बाद अपना मनोरंजन के लिए लाइक ताश खेलते हैं, और उसमें कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। चार आदमी बैठते हैं, क्या है तीन पत्ती में मारो तुम बताएगा हमको, प्लस माइनस खेलते हैं। अगर जो बंदा जीतता है उसमें उसको 6 अंडा बोलते हो सिमन, हाँ भैया ने बोला 5 अंडा है ना यहाँ पर, और शायद मीट भी मिलता है ना, मीट भी मिलता है, और मीट अगर 250-250 ग्राम मतलब लगभग लगभग आपको शायद अगर एक आदमी जीतता है तो उसको कम से कम आधा किलो मिलता है ना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और माधव जी आगे बढ़िएगा, चलो साथ ही साथ गजब का चीज और एक चीज है हम आपको दिखा रहे पूरे माधव, तो कमाल का चीज यहाँ पर ये है ना कि चाईवासा का जो चीज यहाँ मतलब चाईवासा में जो चीज मिलता है जिसका मतलब जिस चीज के पीछे लड़कियां मतलब पागल रहती है, अब बोला जाए तो पानी पूरी इसको बोलेंगे, है ना, वो चीज यहाँ भी अवेलेबल है ना। तो भैया बताएंगे कि क्या है और किस रेट में बेचते हैं इसको, है ना। भैया अरे पहले ये बताइए आपकी मतलब क्या क्या आपके बेचते हैं
हम कभी गोलगप्पा बेचते हैं और कभी जो सुविधा से चाट भी बेचते हैं। चाट भी बेचते हैं हाँ। मतलब गोलगप्पा बेचते हैं भैया और मतलब बहुत कमाल का बनाते हैं ना चिरू गाँव के। क्योंकि अब चिरू क्या ना ये हम मेरा गाँव बड़ा चिरू है और जो भी खाएंगे उसके बारे में वही बताएंगे कि कैसा है। नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है। करी खाने का रिव्यू तो मैंने पहले ले लिया है, काफी अच्छा बनाते हैं और चाट के साथ साथ यहाँ गुपचुप जो भी मिलता है वो काफी लाजवाब। जैसे रूरल एरिया के लोगों को यहाँ जो भी लड़कियां हैं इस प्रकार के डिशेस खाने के लिए बाजार ना जाना पड़े, ये सब चीज यहाँ अवेलेबल है। तो यहाँ आने का प्रयास एक बार जरूर आइए, है ना। अगर ट्रेवल करते हैं चाहे वहां से सरायकेला तो इस रूट से एक बार ट्रेवल करने का जरूर। बहुत मीट के बारे में तो पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया है, उसके साथ साथ कॉमन चीज है लाइक अब बताएंगे नहीं लेकिन हम अब एंगल दिखाएगा आपको क्या हाई क्या मिल रहा है। देखिए यहाँ चिकन मतलब काटा वाला और गोटा तो शायद नहीं बेचते है ना, गोटा भी बेचते है ना। तो भैया बताएंगे कि यहाँ का क्या रेट चल रहा है क्या नहीं। अभी गोटा चल रहा है 140 और कटिंग वाला भी चल रहा है 200 रुपये। भैया हमको एक चीज बता दीजिए यहाँ कब कब लगाते हैं और मतलब कौन सा दिन लगाते हैं, कौन सा वार लगाते हैं। मैंने सप्ताह में एक दिन होता है, मंगलवार को लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नाम जरूरी नहीं है, अगर कोई मेरे वीडियो के माध्यम से आता है तो कोई दिक्कत काम होना चाहिए बस, है कि नहीं। देख लीजिए बहुत सारे लोग हैं, जैसे दादा भी है ये भी कटिंग में लगे हुए हैं। दादा जोहार। जोहार 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 चल रहा है। एकदम पूरा चल रहा है, मुर्गा ही ना। हाँ एकदम चिकन। चलिए 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 बहुत बढ़िया बढ़िया। यहाँ बस अब क्या ही बोलेंगे, पोट के लीजिए पोटा जो भी अगर आप इच्छुक हैं, मतलब चिकन का आइटम में से आपको सारा चीज यहाँ आपको मिलेगा। प्रयास कीजिएगा एक दफा, अगर इस रूट में जो रूट अब मैंने आपको बताया था उस रूट में आते हैं तो एक बार यहाँ विजिट करने का प्रयास कीजिएगा। अगर विजिट करते हैं तो साग सब्जी के साथ साथ थोड़ा बहुत नॉन वेज तो चलता है। वीडियो में शुरू में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मतलब यहाँ बहुत सारे ऑर्गेनिक चीज मिलते हैं और लाइक अब सब्जी वगैरह सारा चीज जो है, इसके पहले भी आपको बता चुके हैं क्या क्या यहाँ मिलता है। तो असल में अभी एक्चुअल में रात हो गया है, मुझे प्लेस का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन प्रयास करूंगा कि आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक चीज सब्जी साफ सब्जी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। आइए तो यहाँ टमाटर ना बीघा को मिना कची दे बीघा को मिना क्या क्या है और देखो फुटेज लो करेला है ये सब है। तो चिलके दही चिलके क्या करेंगे निपादना तो? 60 रुपये। तो दीदी लोग लोग सब सब चीज जो यहाँ बेच रही है ये सब ऑर्गेनिक, मतलब अपने ही खेत में यहाँ उगा के सारा चीज बिजनेस चल रहा है। तो शुरू में जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ आपको सारा चीज ऑर्गेनिक मिलेगा। चिल्के में 8 रुपये मिल जाए 20 रुपये के जाए। हाँ दीदी ने बोला 20 रुपये के जाए, आप समझ सकते हैं। हालांकि मार्केट में सेम चल रहा है नहीं चल रहा है ये नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आपको ऑर्गेनिक चीज यहाँ मिल सकता है।